नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ पूजा। दिन भर की तमाम खबरों के बाद अब वक्त हो चुका है हल्द्वानी की कुछ खबरों का, तो चलिए बढ़ते हैं पहली खबर के साथ। हल्द्वानी के ब्लॉक सभागार में आज कृषक महोत्सव रबी का शुभारंभ किया गया। यहां पहुंची कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। साथ ही प्रत्येक न्याय पंचायत पर किसानों को सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी देने के लिए वाहनों को झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस मौके पर बात करते हुए कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि गोष्ठी के माध्यम से किसानों को वैज्ञानिक विधि से किस तरह वो अपनी जीविका को बढ़ा सकते हैं, इसका सीधा ज्ञान मिलेगा। हल्द्वानी में नगर निगम की बैड़ी सेना के नवाचारी कदम पर देश में दूसरा स्थान मिला और इस मौके पर नगर निगम के सभी पार्षदों ने मेयर डॉक्टर जोगेंद्र पाल सिंह रौतेला और नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय का फूल मालाओं से स्वागत किया। इस दौरान मेयर डॉक्टर जोगेंद्र पाल सिंह रौतेला ने बताया कि स्वच्छता और कूड़ा कलेक्शन में बैड़ी सेना ने एक प्रमुख भूमिका निभाई है। साथ ही मेयर ने इस उपलब्धि का श्रेय नगर निगम की जनता, पार्षद और पूरी टीम को दिया है। हल्द्वानी के एमबीपीजी में आज अध्यक्ष, छात्र उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष सचिव और उप सचिव के संभावित प्रत्याशियों की ओर से जनसंपर्क किया गया और पूरा महाविद्यालय पैम्पलेट से भरा दिखाई दिया। वहीं कॉलेज प्रशासन की ओर से छात्र संघ चुनाव की तैयारी शुरू कर दी गई है और आज नामांकन पत्र की बिक्री हुई, जिसका कल यानी 3 नवंबर को नामांकन दाखिल किया जाएगा। इस दौरान महाविद्यालय परिसर में सिर्फ प्रत्याशी और उनका समर्थक के साथ अनुमोदन करने वालों को ही प्रवेश दिया गया। हल्द्वानी मुखानी थाना क्षेत्र से घर में खाना खाने के बाद घूमने निकले एलएलबी के छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। छात्र की लाश उसकी ही कार से बरामद हुई। बता दें, छात्र की लाश को सबसे पहले उसी की महिला मित्र ने देखा और इसके बाद परिजनों को घटना की सूचना दी। पुलिस ने इस घटना में अपनी जांच शुरू कर दी है। बहरहाल मौत की असली वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता लग पाएगी। शहर के कटगरिया क्षेत्र की बजुनिया हल्दू गांव निवासी चंपा पांडे ने पढ़ाई के बाद पेंटिंग की शुरुआत की। मायके में भाई से प्रेरणा मिली, लेकिन शादी के बाद परिवार की जिम्मेदारियों के बीच शौक को कायम रखना चुनौती भरा था और ऐसे में पति मनोज पांडे की और परिवार के सहयोग से उन्होंने वॉल पेंटिंग और नारियल में माँ लक्ष्मी के मुखौटे बनाने शुरू किए। फिलहाल हल्द्वानी की मुख्य खबरों में बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जेजेएन न्यूज के साथ। धन्यवाद।